हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2020 के लिए आप हमारे पास आज से ठीक वन मंथ है, आज 5 दिसंबर है और आपको नेक्स्ट ईयर मतलब 2020 में, यानी आज से ठीक हम बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर, पर टाइमिंग को देखें तो वन मंथ 2020 में जनवरी में 6 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 11 जनवरी तक आपका जेई मेंस फर्स्ट होने वाला है। अब लास्ट मंथ में ऐसे क्या किया जाए या किस ढंग से हम प्रिपरेशन करें कि हम एक अच्छे स्कोर को अचीव कर सके। नंबर वन, एक बात याद रखिएगा, ये सेशन लास्ट वन मंथ में किस ढंग से स्टडी करें, प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए उसको लेकर है। पर एक बात जो आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, एक महीने की प्रिपरेशन से जेई नहीं निकलता, बल्कि जो कुछ आपने पढ़ा है उस पूरी प्रिपरेशन को एक महीने में प्रॉपर स्मार्ट तरीके से रिवीजन करने से एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। दूसरा, इस बार जेई मेंस में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको लेके भी आपके मन में डाउट्स हैं, आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं, आप लोगों ने बोला भी था, मुझे पूछा भी है कि सर लास्ट वन मंथ में क्या क्या करना चाहिए, तो इस बात पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। आप सेशन को पूरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि एक चीज समझिएगा, अब तक पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में पहले एक डिफरेंस समझे, मार्किंग में डिफरेंस समझे और क्या करना चाहिए, और लास्ट वन मंथ आपकी अगर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्मार्ट स्टडी की गई है तो उसमें आपके स्किल्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। और आप में से जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है उनका भी एक क्वेश्चन है या डाउट है कि 12th के साथ मैनेज कैसे किया जाए। मोस्टली स्कूल में प्री बोर्ड हो चुका है और प्री बोर्ड हो जाने का मतलब है आपका एक बार सिलेबस पूरा हो गया है, इसी सिलेबस को क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको जनवरी में अपेयर होना है। और सबसे अच्छी बात है कि जेई मेंस में जनवरी वाला अटेम्प्ट जो होता है, वो अटेम्प्ट का मुझे हमेशा एक चीज लगता है कि इस अटेम्प्ट में आप अपना 100% देने की कोशिश करो, एडवांटेज कि इनकेस कुछ गड़बड़ भी हुई तो आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट है, यानी आपके पास यहां पर खोने के लिए कम होता है, पाने के लिए ज्यादा होता है, और अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आप इसके एडवांटेज आगे तक ले सकते हैं। और कोशिश यही करना चाहिए कि जनवरी में अच्छा स्कोर आए जिससे आपके पास मई तक के लिए एडवांस का टाइम हो, आप अप्रैल वाले सेशंस के ऊपर ना बैठें। आपने अगर लेट स्टडी स्टार्ट करी है तो भी मैं बोलूंगा जितना पढ़ा है लास्ट मंथ में, नया पढ़ने की जगह जो पढ़ा है उसकी समरी, उसका एनालिसिस, उसके पेपर क्वेश्चंस जो आए हुए प्रीवियस ईयर के, वो सब करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपके साथ धीरे धीरे वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर हम ओल्ड पैटर्न पे जाएं तो 30 क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन थे, पूरे ऑब्जेक्टिव थे, राइट, और मार्क्स 4 से 120 120 120, यानी 360। आपको पता है लगभग 80 के आसपास स्कोर करने पे आप कट ऑफ क्लियर करते थे, मतलब जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते थे। अगर आप 200 से ऊपर स्कोर करते थे तो इसका मतलब है आप एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन ले सकते थे, और 200 से 250 में आपको एक टॉप एनआईटी मिलने के चांसेस हो जाते थे। अब यहां पर हम बात करते हैं नए पैटर्न में, तो नए पैटर्न में केवल चेंज ये है कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएमई लिख लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अब 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट, नंबर वन थिंग। इन 25 क्वेश्चन में से 20+5 है, मार्क्स वही है 400, 20+5 है, मार्क्स वही है 400, 20+5 × 4 मार्क्स वही है 100। सबसे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा बहुत ही क्लियर कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने से कई बच्चों ने मुझे ये बोला है या पूछा है कि सर अब जेई मेंस भी एडवांस जैसा हो गया या एडवांस लेवल का हो जाएगा क्या, या एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं हमारे अंदर, वो पहले दूर करना जरूरी होता है। नंबर वन थिंग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सॉल्व आप वहां पे भी करते हैं, वहां ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, पर अच्छी बात यह कि आपको पता है इसका आंसर न्यूमेरिकल आने वाला है। बल्कि ऑप्शंस दिखने से कई बार यह भी लॉस होता है कि अगर हमने कोई मिस्टेक की हुई है तो वो मिस्टेक वाला ऑप्शन मिल जाता है। आपने भी देखा है कई बार ऐसा होता है कि हम जो मिस्टेक कर देते हैं या जो एरर हमारे क्वेश्चन में हो रहा होता है वो ऑप्शन में मैच कर जाता है और हम ऐसे में मार्क कर देते हैं। न्यूमेरिकल में आपको कुछ नहीं दिखेगा तो आप केयरफुल होकर करेंगे। सेकेंड थिंग कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन 5 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मेरे पास टोटल 20+20+20 यानी 80 और 80, यानी 240 मार्क्स का पेपर अभी भी वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। पहले स्कोर ये 360 में था, अब 300 में,
यानी आपके पास आज भी, आपके पास आज भी 240 मार्क्स बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं। यहां पर टाइम था 3 घंटे, टाइम यहां पर भी 3 घंटे है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए कम हो गए। अब आपका ब्रेन, आप थोड़ा सा, मैं इसीलिए बोलूंगा कि सब कुछ कंसेप्ट, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि हम किस अप्रोच के साथ चलते हैं, किस लॉजिक के साथ हम सोचते हैं और हम क्या कर सकते हैं। मैंने अभी आपके साथ कुछ क्विक सेशन रिवीजन किए थे, उन सेशन को जरूर देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कैलकुलस का था, क्वाड्रेटिक का था, बाइनोमियल का था, प्रोग्रेशन का था, और अभी इस अगले एक महीने में जो मैं बातें बोलूंगा उस तरह से आपको कुछ चीजें भी बताऊंगा और वो सेशंस आपको बहुत रेगुलर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अभी भी मेरे पास 240 मार्क्स है, और अगर इस 240 मार्क्स में से अगर हम 180 के आसपास स्कोर कर लें, केवल इसको, अभी इनको 5 को छोड़ देते हैं, ये 300 में है, राइट। यहां पर मैं आपको बोलता था 200 आउट ऑफ 360, यहां 180 आउट ऑफ 300, और केवल हमको करना क्या है, अगर हम केवल ऑब्जेक्टिव देखें तो, और ऑब्जेक्टिव वही लेवल के होंगे जो अब तक जेई मेंस के आते थे। तो पहला तो ये ध्यान रखिए कि अब टाइम आपके पास उतना ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, बड़े नहीं है, यानी आप अगर 1 घंटे में चाहें तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के 1 घंटे में 20, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, और आप कर लेंगे अगर आपने एक स्मार्ट स्टडी की, आपने सेशन को ध्यान से सुना और समझा, और उस ढंग से अगले एक महीने अपने आप को प्रोग्रेस, अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश की। कल से आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस सेशन के लिए मेरा प्लान था कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं और फिर इस अगले एक महीने हम उस पर एक फोकस होकर स्टडी करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो चीजें क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट वो समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो बात यह होती है कि अगर मैं देखूं तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, आप कुछ भी कर लो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आप इजीली 30 मिनट में, बल्कि मैं कह रहा हूं 20 मिनट भी पर हायर साइड जाएं तो 30 मिनट में आप आराम से 20 क्वेश्चन कर लेंगे। आपके पास यहां आधा घंटा बचने वाला है। यहां पर आप 60 मिनट में 20 क्वेश्चन, यहां पर भी 60 मिनट में, आप वो बचे हुए आधे घंटे में उन 5-5 क्वेश्चन की चिंता कर लें, हो सकता है कि। और वैसे अगर मैं बताऊं आपको तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आप किसी भी साल का मैथ्स का पेपर उठा लें, जेई मेंस का एक्चुअल पेपर की बात कर रहा हूं, और एक्चुअल पेपर से ही सही लॉजिक्स बनते हैं, किसी भी ईयर का एक्चुअल पेपर उठा लें तो अब तक जो 30 क्वेश्चन आते थे उसमें आप देखेंगे तो 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो आप, अगर आपने अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ 11-12 की केवल पढ़ाई की है, एनसीईआरटी की बुक भी अच्छे से सॉल्व किया, कोई भी एक बेस बुक, नॉट नेसेसरी कि एनसीईआरटी, पर कोई भी एक बेस बुक, आप 5-10 क्वेश्चन कर सकते थे। उसके ऊपर 10-20 क्वेश्चंस में, मतलब पहले 10 क्वेश्चन इजीली हो सकते थे, अगले 10 क्वेश्चंस में आपके अच्छे कॉन्सेप्ट लगते थे, और लास्ट के 10 क्वेश्चंस, मतलब लास्ट के 10 से मतलब ऐसे 10 क्वेश्चन हो सकते थे जो ज्यादा टाइम ले रहे हो या जो लेंथी क्वेश्चंस हो। तो अभी भी वही होने वाला है 20 मैथ्स के क्वेश्चन में। मैं आपको एक बात बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन कम हो गए तो भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप 3-4 स्टेप में कर लेंगे। ये मैं आपके साथ जो सेशन ले रहा हूं, जब जनवरी में आप पेपर देके निकलेंगे मैं श्योर हूं आप ये बातें याद करेंगे। मैंने पहले भी जो सेशंस लिए, जो जो आपको बताया बिल्कुल वैसा निकला, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, मिसगाइडेड मत होइए। आप किसी एकेडमी में जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों का ये भी प्रॉब्लम है, आपको वहां कई बार पेपर का लेवल इतना है होता है और वहां पे परफॉर्म नहीं करते, उससे परेशान होते हैं। मैं कहूंगा उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं, जाते रहे, टेस्टिंग भी दीजिए, बट किसी भी टॉपिक का सही असेसमेंट अगर करना है तो वो उन टेस्ट की जगह आपका असेसमेंट कैसे होना चाहिए बता दूं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने बाइनोमियल थ्योरम, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ऐसे कोई भी 2-4 टॉपिक की बात करें, अब आपने बाइनोमियल थ्योरम करा, आपको टेस्ट में जो आपके एकेडमी में बाइनोमियल के क्वेश्चन आए वो नहीं बने, कोई बात नहीं, पर उसके बाद आपको लास्ट कम से कम 5-6-8, अब देखिए ऑनलाइन पेपर होने से बहुत सारे सेट होते हैं, हम बहुत पीछे ना भी जाएं, हम केवल लास्ट 2-3 ईयर के ही पेपर ले लें वो भी बहुत है, उनके जितने बाइनोमियल के क्वेश्चंस आए या जितने कॉम्प्लेक्स नंबर के आए या जितने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट या जितने फंक्शन या जितने डिफरेंशिएशन, जो भी उनके क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं
तो मैं आपको एक चीज बोल दूं कि आपका प्रिपरेशन या आपकी स्टडी की डायरेक्शन एकदम राइट है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम इस बात का बहुत प्रेशर लेते हैं कि एकेडमी में नंबर तो आ ही नहीं रहे, क्या होगा। फिर आप कई बार अभी एडवांस लेवल पे भी पढ़ रहे होते हैं, मैं बोलूंगा अभी एडवांस की पढ़ाई लास्ट वन मंथ में बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद मतलब स्टॉप मतलब स्टॉप। क्योंकि अगर जेई मेंस में स्कोर अच्छा आएगा तो अपने आप ही आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगर आपने जनवरी जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके पास पूरे 5 महीने मिलेंगे एडवांस के लिए, और अगर आपने जनवरी में नहीं किया तो आपको एडवांस के लिए 1 मंथ का टाइम मिलेगा। यानी हम अपने आप को एक लॉजिकल सिस्टमेटिक सोच के साथ बात करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर एक बात समझने की है कि अब आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ समझे, क्योंकि अब आप जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं या देंगे उसमें ये कोशिश करिए कि आपको केवल न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को, अभी मैं इसकी भी बात करूंगा कि इसको कैसे हैंडल करना, और मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी अब आपके साथ टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाला हूं कि इनको भी हम हैंडल कर पाएंगे एक सही प्लानिंग से। क्योंकि अभी तक 180 मिनट में 90 क्वेश्चन करने थे, अब आपको 180 मिनट में 75 क्वेश्चन करने, पहले तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स हैं जितने की ऑब्जेक्टिव के हैं, तो अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मान लीजिए लेंथी है तो आपके पास उसको छोड़ने का स्कोप है। टोटल अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो केवल सारे तीनों सब्जेक्ट के मिला लें पीसीएम के, तो केवल 60 मार्क्स है। यानी आप क्या देख रहे हैं, आप इस 60 को देख रहे हैं या इस 240 को, आपका नजरिया क्या, आपका एटीट्यूड क्या है, इस पर डिपेंड करेगा आपका जेई मेंस का पेपर, और जेई मेंस के पेपर से आपको आगे की सब राहें मिलेंगी। दूसरा, जेई मेंस का स्कोर आपको पता है, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो आपको नेवी टेक में काम आएगा, इवन कई सारे अच्छे और भी कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कोर काम आता है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए कि आप बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करें विदाउट एनी प्रेशर। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 240 लाने की कोशिश करें ना 180, हम तो वो करें जो हमें बेस्ट आता है। तो मैं आपसे जो बात कहना चाहता, जरा थोड़ा सा सोचिए कि इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 10 मिनट में कर लेंगे, मैं अभी 2 मिनट दे रहा हूं, ये वो क्वेश्चन होंगे जो 2, 3, 4 स्टेप में हो जाएंगे। आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, किसी भी एनी ईयर एनी ऑनलाइन पेपर, और सब पेपर आपको एनटीए की साइट पे मिल जाएंगे, तो आप देखोगे कि एक्चुअल में वो 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो होते हैं, 5 नहीं ज्यादा होते हैं, पर मिनिमम की बात करें। इस 10 मिनट के बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग 30 मिनट तक ले सकते हैं, यानी हर क्वेश्चन को हम 3 मिनट देंगे। अब बचे 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चंस को आप चाहें तो 20 मिनट तक दे दें, हो सकता है ये 5 क्वेश्चन ना बने, तो ये 20 मिनट जो है, ये 5 क्वेश्चन लेंथी हो तो 5 न्यूमेरिकल पे आ जाओ, अगर ये लेंथी है तो इस पे आ जाओ, ये 60 मिनट का मैनेजमेंट हुआ। ऐसा ही फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में तो आपको टाइम लगेगा नहीं, और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से कोई अच्छी बुक हो ही नहीं सकती, इवन मैथ्स में भी एनसीईआरटी एग्जामिनर कर लेंगे आप तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यही चीज फिजिक्स में भी रखिए, पर जिससे भी आपने पढ़ा है, कोई बुक को लेके मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय अगले 30 दिन क्या करना चाहिए, लास्ट 30 डेज, तो ये एक प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि अगर आपको ये चीज आज परेशान कर रही तो इसको आप एक कोने में रख दीजिए, फिर आप इधर पे सोचिए। और मैं आपको बताऊं, जब आप ये कर लेंगे तो आप अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उस पे इन न्यूमेरिकल्स पे आइएगा, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या मैथ्स के, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ये हुआ पहले बात। तो अब बात आती है कि लास्ट 30 डेज में और क्या चीजें हैं जो हमें करना है। हमारे पास लगभग 30 टॉपिक्स हैं, चाहे हम मैथ्स की बात करें, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, 30 टॉपिक्स हैं। अब आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो जुड़े हुए हैं इंपिटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़े हुए हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे टॉपिक कर लिए, रिवीजन भी कर लिए। पर इन केस आप में से कुछ ऐसे हों कि मान लीजिए आपकी आज की डेट में मैथ्स के 20 टॉपिक ही हुए, फिजिक्स के 15 ही हुए या केमिस्ट्री के 15 ही हुए, कोई बात नहीं, अगर 30 पूरे हुए हैं तो हर दिन में एक एक टॉपिक का रिवीजन करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हर दिन। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप एक अच्छा रिवीजन कर पाएंगे और एक अच्छे स्कोर की तरफ जा पाएंगे। तो अब वो चीज क्या है वो समझिएगा एक एग्जांपल से। जितने भी टॉपिक आज तक की डेट में हुए हैं उतने टॉपिक की बात कर रहा हूं,
बट कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इसके अलावा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा अगर हम बात करें तो आप कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, यानी पूरा कैलकुलस ही इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट, मैट्राइसिस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये पोर्शन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको काफी वर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप रिवीजन कैसे करें। मान लीजिए मैं बात करूं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम की, राइट right? मैं आपसे बात करूं बाइनोमियल थ्योरम की, मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, मैं बात करूं सेट की, मैं बात जिसकी भी कोई भी, मैं बात करूं प्रोग्रेशन की मतलब एपी जीपी एचपी की, या मैं बात करूं फंक्शन की, या मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, कोई भी एक टॉपिक, और जो बात मैं मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं वही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अप्लाई होती है। कैसे पढ़ना चाहिए? सपोज आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, और पढ़ना नहीं है इस समय, ये नई पढ़ाई का टाइम खत्म, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और उसके रिवीजन को इसलिए करना जरूरी है जिससे कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। बिना रिवीजन के परफॉर्मेंस नहीं आती, और आपकी पढ़ाई जो है वो फोर्थ जेन तक खत्म कर देना है आपको, और डिपेंड ऑन कि आप कब पेपर दे रहे हैं, पर फोर्थ जन तक कर देना है, भले ही आपका डेट 8 जनवरी हो या 9 जनवरी हो, क्योंकि जो पेपर आते जाएंगे उन्हें भी तो आपको सॉल्व करना है, तो आपका फोर्थ जनवरी लास्ट डेट होगा, और 31 दिसंबर टोटल रिवीजन की भी लास्ट डेट होगी 1, 2, 3 को, जो आपने आज से लेके मतलब 6 दिसंबर से लेके 31 तक पढ़ा है उसकी एक समरी जो है वो 4 जनवरी को होगी। अब बात करता हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए। आपके आप में से जो 12th अपेयरिंग है, मान लीजिए किसी कारण से 11th के टॉपिक का टच नहीं है, तो एक ही टॉपिक मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये जरूर करें क्योंकि इससे पूरा कैलकुलस डिपेंड करता है। पीएनसी करें, प्रोबेबिलिटी करें, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ये एक चीज समझिए। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो लीजिए आप, कि मान लीजिए बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं तो सबसे पहला काम रिवीजन करने का प्रोसेस, जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं वो आप मत करिए। आप सबसे पहले एक पेपर पेन लीजिए, और पेपर पेन लेके जो जो बाइनोमियल थ्योरम में आता है, जो जो आता है, जितना भी आता है उतना आप ब्लैंक पेज से लिखिए। नंबर वन कि a प्लस बी की पावर n क्या होता है, a माइनस बी की पावर n क्या होता है, इसका समेशन, मिडिल टर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, राइट, एनी इंडेक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, जो जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें पहले एक ब्लैंक पेज पे लिख दीजिए, राइट right? आपने सारी चीजें लिखी, फिर आप उठाइए जेई मेंस के लास्ट कोई भी, मैं कह रहा हूं आपको 18-19 के जो ऑनलाइन पेपर हैं वही ले लें, या वैसे कोशिश करें कि 17, 18 और 19 के सारे पेपर्स ले लें। अब इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करिए, और उनको सॉल्व करने से जो नहीं हो रहा है वो भी और जो हो रहा है वो भी, उससे पूरी थ्योरी को अपने आप को रिलेट करिए। ये सब काम करना है, पहले रिवीजन बिना बुक के करना है और फिर क्वेश्चंस पे जाना है आपको, और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये टॉपिक तैयार। देन अगले टॉपिक पे आ गए, एपी जीपी एचपी, नाउ स्टार्ट, फिर से वही फॉर्मूले लिखना चालू किए, और आपकी मिनिमम सिटिंग जो होना चाहिए पर डे और किसी भी टॉपिक के लिए वो होना चाहिए 3 hours 30 minutes। क्यों? क्योंकि आपको एक पेपर 3 घंटे का देना है, अगर आपने अपनी हैबिट डेवलप नहीं की तो आपको प्रॉब्लम होगी, और हफ्ते में कम से कम 2 बार, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम हफ्ते में 2 टेस्ट ऑनलाइन देना है आपको। सैंपल पेपर भी एनटीए की साइट पे, वो भी दें आप, वो सब दें। तो एक चीज याद रखें कि मिनिमम 3.5 आवर आपको रेगुलर एक सिटिंग में बैठना है, और 3.5 घंटे की एक सिटिंग, फिर 3.5 घंटे की एक सिटिंग, और फिर 3.5 घंटे की एक सिटिंग, अगर इसको देखें हम तो 10 hours 30 minutes की सिटिंग होती है, ओवरऑल 11 घंटे मान लें, 24 घंटे में से अगर हम लास्ट 1 month में 11 आवर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे काम होगा। ये 11 मिनिमम है, आप कोशिश करिए 6 घंटे की अच्छी प्रॉपर नींद भी बहुत अच्छी लीजिए, 12 बजे सोएं, 6 बजे उठ जाएं, लेट नाइट पढ़ने से और सुबह देर से उठने से ज्यादा अच्छा है कि आप, मैं आपको टाइम टेबल ही बताऊंगा, क्योंकि अक्सर देखा गया जब हम लेट नाइट पढ़ते हैं तो हमारी फाइटिंग बहुत ज्यादा होती है जगने में भी, और हम प्रॉपरली पढ़ते पढ़ते 12 तक बैठते, ऐसा नहीं करना। तो 3.5 घंटे का मैथ्स का रखिए, 3.5 घंटे फिजिक्स, 3.5 घंटे केमिस्ट्री, नंबर सभी के काम आएंगे आपके, ऐसा मत करिए किसी एक पे। अब इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं
तो मैं बोलूंगा 2 to 3 hour, 2 to 3 hour और पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है, एक सिटिंग और बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम है 6 घंटे नींद के अलावा 3-4 घंटे के अदर एक्टिविटी के अलावा भी नहाना धोना सब कुछ भी कर लें तो भी 14 घंटे मिलते हैं, आप 3 घंटे और पढ़ सकते हैं, 3-3.5 घंटे यानी आप 3.5 घंटे की 4 सिटिंग भी ले सकते हैं। ये सेटिंग के टाइमिंग सबसे अच्छे जो मुझे लगते हैं, एक होगा कि आप 6 o'clock पे उठें, 6:30 तक आप अपनी सारे फ्रेश व्रेश हो लीजिए, 6:30 to 10 ये पहली सिटिंग होना चाहिए, 10 o'clock पे ब्रेकफास्ट करिए, 10 o'clock पे आप ब्रेकफास्ट करिए और 10:30 से फिर बैठ जाइए, तो 10:30 से जो आप बैठे तो आप 3 घंटे 3.5 घंटे जोड़ लीजिए तो लगभग आपको 2 बजे तक आपकी दूसरी सिटिंग होना चाहिए, राइट। 11 से अगर हम 2 की बात करें और ये 6:30, फिर 2 बजे आप लंच लीजिए प्रॉपर, 2 बजे आपने लंच लिया, लंच लेने के बाद कम से कम 15 मिनट का नैप लीजिए, बहुत जरूरी है, अच्छे से पूरा 1 घंटे का टाइम लीजिए और 2:30 बजे तक लंच खत्म करिए, 2:30 से 3 आराम से रेस्ट करिए और लगभग आप 3 से 3:30 के बीच में, मान लीजिए आप 3:30 पे भी बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3:30 to 7 o'clock तक नेक्स्ट सिटिंग होना चाहिए, फिर आप 7 बजे ही कोशिश करिए, डिनर का टाइम अच्छा रहेगा जितनी जल्दी लेंगे, और टेस्ट के स्टडी के दौरान पानी जरूर पीते रहिएगा, फिर 7:30 to 8 o'clock तक आप डिनर विनर कर लीजिए, 8:30 तक का टाइम ले लीजिए और 9 o'clock से फिर बैठिए तो लगभग आप 11:30 तक, भले ही छोटा हो, 11:30 या 12 o'clock तक पढ़ाई करिए और फिर 12 से 6 की एक अच्छी नींद लीजिए, अगर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ है, अब स्कूल जाने का भी आपके ऊपर लोड ज्यादा नहीं होगा, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, स्कूल जाते हैं तो ये सेकेंड टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करिए, वो आपके ऊपर है। संडे को आपको टेस्ट देना है, एवरी संडे को कम से कम एक टेस्ट जरूर दीजिए, ट्राई करिए 2 दें, सैटरडे संडे पर एटलीस्ट 1 टेस्ट दीजिए, 2 देंगे तो और अच्छा है, और सैटरडे को इवनिंग में ये जो टाइम मैंने लिखा है इन 2 शिफ्टों में जो मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है वो करना है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप इस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, अभी ये समय नहीं है कि कितना सिलेबस बचा है, अभी ये समय है कि जो सिलेबस हुआ है उसका हम रिविजन कर लें। तो आप में से कई लोगों ने ये लिखा है कि सर अभी पूरा सिलेबस नहीं हो पाया, क्या करें, 11th के कई टॉपिक कवर नहीं हो पाए, क्या करें। मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि अब जो 1 month है उसमें आप वही करिए जो आप अब तक कर चुके हैं या जो अब तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो आपने अब तक पढ़ा है अगर उसको प्रॉपर रिविजन के साथ हमने अपने आप को तैयार कर लिया तो ये होगा कि इतने टॉपिक मजबूत होने से आप एटलीस्ट 300 में से 150 से 180 तो ला सकते हैं, यानी 50% तो आप ला सकते हैं ना। हम पहले ये चिंता करें 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और असेसमेंट का मैंने आपको राइट वे बताया। आप जिस भी एकेडमी में जहां पे भी जाते हैं उन पेपर की जगह जिस भी टॉपिक का रिवीजन करें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ही बेस बना के आप उनको रिवीजन करें। और जनवरी में पेपर, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, कंपेयर टू अप्रैल सिंपल होगा, एनसीईआरटी पे ज्यादा बेस्ड होगा, एनसीईआरटी एग्जामिनर बहुत आपके लिए यूजफुल बुक होगी और अगर जनवरी अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा एडवांस के लिए, जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो आपके साथ सेशन शेयर करूंगा उसमें मैं आपके साथ लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस ही और उन तरह के क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस लेके ही डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ जब भी करते हैं, आप हमेशा, कई बच्चे लिखते हैं कि आप सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, मैं सिंपल नहीं, मैं तो जेई के एक्चुअल क्वेश्चन लेता हूं, लाइन से लेता हूं, पर उनको करने का तरीका सिंपल होता है और वही चीज मैं आपको बोलूंगा। आपकी सोच, आपकी पढ़ाई का तरीका सिंपल होना चाहिए। आईआईटी टफेस्ट एग्जाम नहीं है, आईआईटी लॉजिकल कंसेप्चुअल एग्जाम है जिसमें आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक, लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में करना है, सिंपल क्वेश्चन को पहले करना है, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ये सब चीजें आपको अगले 1 महीने के लिए करना है। ये 1 month बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 1 month में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि आपका जितना भी टॉपिक हुआ, पूरे हुए तो पूरे, आधे हुए तो आधे, पर हर टॉपिक का रिवीजन करना है और वो भी 31 दिसंबर तक करना है। आपका न्यू ईयर जेई के मेंस पेपर के बाद होगा अगर आप जेई मेंस दे रहे हैं तो। दूसरा, आप ये मत सोचिए अगर पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो ये पेपर देते नहीं, सीधा अप्रैल देंगे, ये भी गलती मत करिएगा।
ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपके पास करीब करीब दो दो शिफ्टों के चार चार पांच पांच छह छह पेपर हैं, उन पेपर्स को रखिए अपने सामने। आपके पास हर टॉपिक्स के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करिए और उस जैसे क्वेश्चंस देखिए बनते कि नहीं, और उन क्वेश्चन से थ्योरी का रिविजन करिए। मैं भी आपके साथ जो टॉपिक्स आपने मुझे भेजे मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा और आपको समझा पाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको एग्जाम में क्लिक करना चाहिए। तो इस पॉजिटिव माइंड के साथ प्रिपरेशन करिए। अब आपको बहुत रेगुलर जेई के सेशंस मिलेंगे जिससे कि लास्ट मंथ में आप मोटिवेट रहे, हाईली मोटिवेट रहे, पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करें और जनवरी पेपर के बाद ट्वेल्थ एग्जाम में आपको करीब करीब 1.5 महीने फिर मिलेगा। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, पूरा फोकस अपना 1 महीने जेई मेंस पे दीजिए और फिर क्योंकि जेई मेंस में आप पीसीएम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, वो ट्वेल्थ में काम आएगा। बाद में उन्हीं को हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार करेंगे और सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको भी कवर करेंगे। तो इस पॉजिटिव माइंड के साथ अगले 1 महीने आप प्रिपरेशन करिए, बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ, कहीं घबराइए मत। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कभी मत करिए। मैं हमेशा एक बात बोलूंगा, जब भी रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।